तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास हाफ के जी चिकन है जो कि मामा ने साफ कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और दोस्तों इसमें मैं प्याज थोड़ी सी ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाला वो पसंद है कढ़ाई गोश्त। और सारा कुछ मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ, नमक मिर्च टमाटर ब्ला ब्ला जो भी होते हैं मसाले, वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि ना जो मगरों लाई हुई हांडी होती है ना खाना होता है मगरों लाई हुई कढ़ाई गोश्त जो होती है ना वो ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। जो खैर ऑयल में डाल रही हूँ वो सब कुछ साथ ही डाल दो, पा दो सब कुछ एक साथ। दोस्तों असल में ना बात यही है कि जब मैं खुद कभी ट्राई मारती हूँ ना तो मैं तो मगरों ही लाती हूँ, लेकिन यकीन करें घर वालों को बड़ा पसंद आता है। अवल तो कभी साल में एक दफ़ा कभी मेरा किचन में आना होता है तो मैं कभी बनाती हूँ तो मगरों ही लाती हूँ, तो आज हम मगरों ही ला रहे हैं। आज जो पंजाबी होंगे उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ज़रूर समझना। सब कुछ डाल के अब हम इसे पकने रखेंगे। मिर्च डाल रहे हैं, पिसी भी लाल मिर्च, धनिया पाउडर। आप भी ट्राई करना ऐसे बना के सब कुछ डाल के, देखना कितना टेस्टी बनेगा बजाय इसके कि आप अलग अलग डाल के पकाएं। लेकिन एक चीज तो मैं भूल ही गई, ये हमारा हुड है जिसको मैं ओपन करने लगी हूँ। ये सारी हीट कंज्यूम कर लेता है, हम भूल गए थे। अब हुआ सकून गर्मी हो रही है, वाह देखा कितनी अच्छी कुकिंग करती है मामा शेफ। हो गई ना कढ़ाई जैसी लुक इसकी, मुझे तो ये भी यकीन नहीं था कि इसकी शक्ल भी कढ़ाई जैसी होगी कि नहीं। नाइस। और इसका शोर बहुत हो रहा, बंद करते हैं इसको, मेरे व्यूवर्स को मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। हमने डाल दिया है दही, हम इसको भून के मगरों लाई हुई कढ़ाई को तैयार कर लेंगे। तो मिलते हैं इसको भूनने के बाद। अच्छा तो दोस्तों रही बात दही की, तो ये है वो राज जिसका मैं वो कह रही थी कि मैं स्पेशल रायता बनाऊंगी। मैं कोई नहीं मेहनत करती, मैं बने बनाए काम करती हूँ, तो ये मेरा बना बनाया रायता है जो कि पाउडर फॉर्म में है, इसको बस दही में मिक्स करना होता है। ये मैंने कर दिया मिक्स, अब एक स्पून से इसको मैं मिक्स करूँगी और मेरा रायता तैयार हो जाएगा। नमक आपने हसब जायका डालना है जितना आप खाना चाहते हैं। तो मेरा रायता रेडी, आप ले लें पाउडर, बहुत अच्छा होता है घर में रेडीमेड पाउडर, आप देख सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, आपका रायता बनेगा। मेरा रायता भी तैयार हो चुका है, बस ये भून जाए तो मैं इसे मज़े से खाऊं बैठ के तंदूर की रोटी के साथ। तो दोस्तों इसको भूनने का चक्कर में ना तो मैंने भून जाना है, तो मेरी तो हो गई है बस, बहुत गर्मी है इतना ही भूनना काफ़ी है, वरना ये ना हो कढ़ाई के साथ मेरी भी कढ़ाई बन जाए। तो ये है मगरों लाई की कढ़ाई, फाइनली तैयार हो चुकी है, अब खाते हैं इसको मिल के। ये हमने इसको डाला है धनिया। चलें मिलते हैं अब खाने के बाद, अल्लाह हाफिज़।
डिश आउट भी करेंगे अभी आपके साथ शेयर करेंगे, अल्लाह हाफिज़ नहीं करिए मैं। तो ये है मेरा रायता सलाद और ये मेरी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो अपनी होस्ट मोना शेख को इजाज़त दें। आज मोना शेख ने बहुत ही ज़बरदस्त खाना पकाया है, मुझे खुद पता है मैंने बहुत मज़े का पकाया है। आप लोग अगर तारीफ़ करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम, वरना मुझे खुद भी पता है मैं बहुत अच्छा पकाती हूँ। तो दोस्तों अब मैं अपनी मगरौलाई कढ़ाई खा सकती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को इतनी देर में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा पूरा व्लॉग देखना। और बस मैं इतना ही कहूँगी आप लोगों से, आप लोगों का क्या चला जाता है, आपको कौन से पैसे लगते हैं, आपका कोई खर्चा होता है, सिर्फ आपने शेयर ही तो करना होता है ना, अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, फैमिली में शेयर किया करें और सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलें अब इजाज़त दें, ठंडा हो रहा है मेरा खाना और मैं खुद भी भून रही हूँ गर्मी में किचन में। अल्लाह हाफिज़।